आप सबको हमारे ओर से गुड मॉर्निंग। आज मैं आया था सवेरे सवेरे नहाने फ्रेश होने, टाइम हो रहा है 6:30 तो अभी चलते हैं अपना घर की ओर। तो नहा धो लिए, फ्रेश हो गए, ठंडा भी है गर्मी भी है दोनों लग रहा है। बट दोस्तों मैं बड़ी खुश हूँ आज, इतना आज मैं इतना जल्दी क्यों नहीं पता। कल एक्चुअली कल मैं नहाना आया था ना, तो कल बड़ी लेट हो गए थे, बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, इसलिए थोड़ा मैं सोचा ना नेक्स्ट बार थोड़ा जल्दी आया करूँगा और जल्दी घर को वापस जाने का। तो मैं जल्दी खाना खाऊँगा फिर अपना ड्यूटी पे जल्दी जाएगा, ऐसे सोच के आज जल्दी आया। तो अभी मैं यहाँ से जाएगा घर, घर पे जाएगा, खाना उन्हें तो बन गया है 5 बजे में बन गया है, तभी मैं घर को जाएगा और सीधा खाना पे टूट पड़ेगा। उसके बाद देखा जाएगा आज कहाँ जाने का प्लानिंग है, अभी तक तो मैं को भी डिसाइड नहीं किया हूँ। घर को जाऊँगा, वहाँ पे खाना खाने के बाद सारा प्लानिंग आज का दिन भर का जो भी होगा सारा कुछ सोचेगा अपन। एक माग ले गया था, दतुन उतुन किया था देसी वाला से, करंज वाला से पेड़ को काटना है और उसी से दतुन करना होता है। हमारे क्षेत्र में बड़ा सूरज से नहीं करता, हॉस्टल में रहता था तब उस समय मैं बरस से बहुत ज़्यादा करता था, अभी नहीं करता है। देख सकते हैं पहले मेरा दांत सब छोटा छोटा था, आजकल बड़ा बड़ा है, बरस से करते हैं ना तो अपन का दांत सब छोटा छोटा हो जाता है, और दतुन से करते हैं देसी वाले से तो बड़ा बड़ा हो जाता है, ये फायदा रहता है। तो इस बार का बरसात में तो हमारा डैम नहीं भरा, इसलिए पानी वानी नहीं गिरा, नहीं तो इधर अभी मैं इधर से उधर रहा हूँ ना, वहाँ पर झरना टाइप का पूरा पानी गिरने लगता है। आजकल हमारे क्षेत्र में धान सब कटाई वटाई बहुत ज़्यादा हो रहा है, धान सब का कटाई हो रहा है, अभी काम सब गांव क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों एक दिन की बात है, ये सामने में अभी मैं इधर जा रहा है ना, वहीं पर एक टू सांप से पकड़ा था बरुंडा को, और मैं क्या बोलता है रुंडा रुंडा बोलता, आदमी लोग को कन्फ्यूज कर दिया मैं टेप कर होता है। तो अपन का पप्पा देखो उधर ऊपर में डैम के ऊपर में दिख रहे हैं ना, डैम के ऊपर से अपन को चिल्ला रहा था। एक्चुअली चना उना बोना है ना, तो पापा बोल रहे हैं ट्रैक्टर वाला को बोल देना हल उल जोत देगा। बात सही है यार, लगाए थे धान, धान कटिंग हो गया, घर में अंदर भी कर दिए, अभी खेतों में चना उना बोना पड़ता है, और क्या बोलते हैं कतारे भी सीधे लगाएंगे, देखते हैं क्या क्या लगाएंगे। को बिरसा मुंडा का हालत, हम लोग बिरसा मुंडा का पर्व भी नहीं मनाए इस बार। पहले जॉर्ज क्रिकेट फादर थे ना हमारे विजयगिरी में, उस समय हम लोग बहुत ज़्यादा मनाते थे 15 नवंबर बिरसा जयंती। बट अभी हमारे क्षेत्र में बिरसा मुंडा का त्यौहार ना, यानी कि 15 नवंबर को नहीं होता है, और उस समय मेला वगैरह नाच गान सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत तबड़ तोड़ होती थी, अभी तो नहीं होती है। उस समय मैं भी गाना वाना सीख जा रहा था, स्कूल में रह करके बहुत सारा गाना वाना सब सीख गया था और आदिवासी से रिलेटेड, अभी तो सीखने को नहीं मिल रहा है इसे। और इधर देखो स्कूल के पीछे तरफ गेट, सब गेट बाहर में रहता है ना, बहुत ज़्यादा कचड़ा वगैरह हुआ करता था, इधर बहुत ज़्यादा उगता था घास उस झाड़ी हो जाता था। तो अभी थोड़ा साफ़ सफाई है, स्टूडेंट लोग काफ़ी साफ़ सफाई करते हैं, इसलिए अभी तो कहूँगा बहुत अच्छा है, साफ सफाई है, बच्चों को साफ करवाया जाता है, बहुत बढ़िया साफ करते हैं। स्कूल का टाइमिंग है 8:45 में असेंबली का घंटी बज जाती है और बच्चे लोग सारे लोग आ जाते हैं, उसके बाद पढ़ाई का प्रोसेस होती है, 3 बजे छुट्टी। अभी मेन रोड पे हूँ, ये रास्ता जाते है एक बस आ, तभी मैं यहाँ से जाऊँगा घर को, 2 मिनट का सफ़र। ठंडा का सीजन में मेरा मुंह से क्या बोलते हैं धुआं निकलता है, देखोगे सच में ना, ठंडा का सीजन में मुंह से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। बचपन में हम लोग बहुत खेलते थे यार, आदमी लोग बोलते हैं बीड़ी पिए जैसा दिखता है ना, जैसे कि मुंह को हा हा करते, तो बहुत ज़्यादा निकलता है धुआं, लोगों को एंटरटेनमेंट मतलब मस्ती के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा करते थे यार बचपन में। जैसे ही घर का एरिया को पहुँचते हैं, हरे भरे पेड़, प्रकृति का स्वच्छ नज़ारा, शुद्ध हवा और पत्थर,
और ईंटों और अल्बेस्टर से बने घर को मिलते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लगता है। और एक ठू देखो, ये कुंदरी है, थोड़ा दूसरा टाइप का कुंदरी है। इसे वाला कुंदरी आप लोग खाया है तो बताना भाई। हुटर भाई, इधर है हुटर, ये है हुटर। तो साथियों, अभी जो वृक्ष मैंने दिखाया है हुटर का फूल है, उसका फूल को बनाने से सब्जी बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी। देखो सारा खेतों में धान की कटाई हो गया, देखने को मिला ना। कोई आदमी लोग पेड़ काट रहे बकरी के लिए, शायद हमको लगता है। तो मैंने अपना घर को पहुंच गया, कपड़ा वपड़ा सुखाता हूँ। बहुत ज़्यादा भींगा यार, कपड़ा वपड़ा सुखाएगा उसके बाद खाना वाना खाएगा। देखो ऐसा तार बना हुआ रहता है, इस तार में अपन अभी कपड़ा सुखाएगा दोस्तों। कपड़ा सुखाने के बाद आज भूख लग रहा है यार, 7 बजने वाला है, अभी तक मैं खाना उना नहीं खाया, बड़ी भूख को लग रहा है। देखो अप्रैल का पेड़ है यार, अप्रैल महीने में बड़ी मस्त फूलता है ये पेड़ टू, है ना यार। घर को तो लोग, अभी घर को खोलना पड़ेगा। चाबी वाबी लाया हूँ कि नहीं? लाया हूँ यार, रही चाबी, चाबियाँ घुसाते हैं। खुल गया। ए, खाना खाने के लिए अभी बैठ चुका हूँ। तो क्या क्या बना है खाना में? खाना में बना है चावल बना है, इधर मूली बना है, टोमेटो बनाना है, बना है पोटैटो बना है, और इधर प्याज बना है, लहसुन बना है। तो अभी फटाफट खाते हैं। तो दोस्तों खाना खाते समय बात नहीं किया जाता है, तो इसलिए आप लोग देखते रहिए मैं खाता हूँ, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। तो आज मैं हल जुतवा रहा हूँ, खेत में हूँ। तो यहाँ पे चना वगैरह लगाऊंगा, धान को तो अंदर कर दिए, धान वगैरह पक के अंदर हो गया, तो अभी हम लोग घर वगैरह में अंदर कर दिए, तो अभी मैं इसमें लगाऊंगा चना लगाऊंगा। तो दोस्तों अब सब उनको दिखाते हैं, आज हल तो जुतवा लिया, अभी चना वगैरह बोएंगे। तीन चार महीने लगता है, उसके बाद तैयार हो जाएगा। तो ट्रैक्टर लगवाए हैं, तो दोस्तों इसमें क्या बोलते हैं, ये दो बार में पूरा जो मिट्टी है ना, मिट्टी को पूरा गीला कर दे रहा, पूरा उसका धूला टाइप का बना दे रहा, तीन चार बार में तो क्या हालत हो जाएगा। तो अभी खेती वेती कर रहे हैं, तो यहाँ लगेगा अभी मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा, उम्मीद करता हूँ 15-20 मिनट लगेगा। साथियों चलिए आप लोगों से विदा लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। चलिए बाय बाय।